बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पाकीज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकीज़ा की जन्नत। सो पाकीज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकीज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी 22 रजब की नियाज, जो कि हम खाने जा रहे हैं कहाँ पर बच्चों? इनके टीचर के घर। ये तो चले फिर, लेट्स गो। टीचर से कहेंगे दो डंडे भी पकड़ ले, रेडी रखे हैं। हाँ। नहीं आप ऐसा करें ना, अपने बैग भी पकड़ ले, वहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कहती हूँ उसको वन आवर पढ़ा देगी, रेडी कर लेना ना। छुट्टी भी नहीं ना होगी ऐसे, चलो टीचर के घर जा रहे, टीचर के घर जाके ही पढ़ लेंगे। पढ़ना जल्दी से बैग लेके आए, परसों पढ़ेंगे, कल तो छुट्टी है। तो जी टीचर ने आज छुट्टी दी है क्योंकि उनके घर में है नियाज, तो हम उन्हीं के घर में जा रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल। चलो ठीक है, चलो चले। सो लेट्स गो, लेट्स गो। न्यास से फ्री होने के बाद फिर हम बच्चों को ले आए थे गार्डन। बस अचानक से प्रोग्राम बना, कोई हम लोगों ने कोई पहले से प्लान नहीं था किया हुआ कि हम लोग गार्डन में आएंगे। रास्ते में ही हमने कहा चलो जी हम गार्डन में चलते हैं, और ये देखे बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। बाबू आजो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? चले ओहो, ये देखें जरा, हम कब से ढूंढ रहे थे इसको, हम 2 घंटे हम लोगों ने घर में लगा के ढूंढी है, ये कीज गुम गई थी घर में और ये यहाँ पे इस वक्त फैजान की पॉकेट से मिली है। तोबा है फैजान, मैंने आपको पहले भी कहा था अपनी पॉकेट में चेक कर ले। हर जगह हमने, हर जगह छान मारी, जिसको कहते हैं छान मारी है, वो किया हमने नहीं मिली और पॉकेट मिल गई। यही कह रही हूं कि इन्ना लिल्लाह पढ़ के भी इतना ढूंढा है हमने। मैं यही कह रही थी लास्ट टाइम ये फैजान के साथ था और उस टाइम मुझे लगता है ये नहीं थी चाबियां इसके पास थे। चलो अच्छा मिल तो गई, किसी टेंशन में नहीं थी। बाबू मुझे तेरा स्ट्रॉलर उल्टा लग रहा है। नहीं यार वाकई में, ये देख। अच्छा वो मैंने असल में ना, मैंने आज पीटू का स्ट्रॉलर पहना ना, और ये थोड़ा कुछ इस तरह है ना कि पता नहीं चलता। जनाब साफ पता चल रहा है, ये देखे। मुझे तो ना चल रहा। चलो है रे यार, पीटू जैसे भी पहने हो ना बंदा कॉन्फिडेंट रहता है। उल्टा भी पहना हुआ तो क्या हुआ, किसी को तो ना पता चल रहा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं ना पता चल रहा। हाँ जो भी है जैसा भी है, अपने पहने हुए पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ। आपको कि हाँ जी हम लोगों ने जो पहना है हमें अच्छा लग रहा है। हाँ। ना फील करवाएं किसी को कि इस तरह से उल्टा है, किसी को क्या पता चलना है। कोई बात नहीं, साइड पे कोई जगह मिलती ना, अभी तो हम गार्डन में है ना, अभी कहीं साइड पे जगह मिलती ना मैं सीधा कर लेती हूँ। आपी जी, आपी जान, फेरे पूरे हो गए आपके। चले आजे आजे आजे। हमदम, इसका निकनेम मामा ने, यानी कि इसकी पीटू मामा ने इसका निकनेम रखा हुआ है हमदम। हमदान का निकनेम है हमदम। हमदम हमदम, मुझे दे दे, पीटू मामा को दे दे। वाकई में हम सबको बहुत मज़ा आया है दामने जहरा। एक्चुअली में इनकी टीचर का नाम है दामने जहरा और बच्चे उनको प्यार से कहते हैं दामन टीचर। माशाल्लाह उसका नाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारा सा नाम है दामने जहरा। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत मज़े की थी। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि हम लोग तो न्याज के लिए निकले थे, हम स्पेशली गार्डन के लिए नहीं आए थे, लेकिन बच्चों की ज़िद करने पे हम लोगों को गार्डन आना पड़ा। और मैं पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं लेके आई थी, बस थोड़े से ही थे। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि मामा हमने बाहर से कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो एटीएम कार्ड तो है ना, कार्ड से ही हम निकाल लेते हैं पैसे, तो फिर आप लोगों को भी कुछ इंजॉय करवा देती हूँ। कौन जाएगा मेरे साथ एटीएम? नहीं नहीं एक जाएगा ना। मैं
चलो दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। आप लोग वेट करो, हम लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिटू अपने पैसे निकलवा रही है। ओ फिजान, मशीन कह रही, मशीन कह रही, मैंने नहीं देने। चाउमीन नहीं खानी अभी, कल खाई है। नहीं 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 खाएगा मेरा बच्चा। ये तुम्हारी वजह से सर पे चढ़े मैं, कोई बात नहीं, नहीं तो मैं इनको एक मिनट में सीधा कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटू, कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा मेरा, सबसे प्यारा बच्चा। अल्लाह पाक ने सबसे प्यारा फूल हमें दे दिया है, ये भी फूल दिया लेकिन सबसे शरारती फूल। चलो सीधे हो जाओ। पैसे हाथ में आने के बाद पूरी फौज जा रही है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट बिल्कुल पास ही है। और इधर जी फैजान के चलने का स्टाइल चेक करें, उसने किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना, उसने ऐसे ही हर दफा अकेले ही चलना होता है। हाँ जी, तो फिर अभी हम बच्चों को लेके आए हैं रेस्टोरेंट में। भैया हम आए हैं एमएम चाइनीज में, जो हम पहले आते थे लेकिन हमें आना बंद कर दिया, और वो भी हमने नहीं दिया था बाबा ने, था इतनी बार ही वाला रेस्टोरेंट नहीं था, जाते थे और रेस्टोरेंट ट्राई करते, इसलिए तो आज बाबा ने तो हम नहीं खाए। चलिए अब मैं ट्रांसलेट कर लूँ। हम इस रेस्टोरेंट में बहुत दफ़ा आ चुके हैं लेकिन हमने इस रेस्टोरेंट में आना बंद कर दिया था, और हमने आना बंद इस वजह से किया था क्योंकि बाबा ने कहा था कि अब हमने कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करना है, इस रेस्टोरेंट में हम बहुत दफ़ा आ चुके हैं, यही कहा था ना आपने? आई होप सो कि अब तो आपको समझ आ गई होगी कि इसने क्या कहा है, तो इसलिए ना हम बाबा को छोड़ रहे हैं, ठीक है कुंदन भैया, हम आपको नहीं लेके आए मेरे कुंदन के बगैर। गाइस हम छुप के छुप के आए हैं, किसी को नहीं बताना, ठीक है? अपना ना आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए मैं लेके आऊंगी। और वैसे भी बाबा तो ऑफिस है, ठीक है? बाबा ऑफिस है लेकिन बाबा के लिए हम लेके जाएंगे, ओके? भी करते फैमिली वाला चिकन चाउमीन करते, और ये वेजिटेबल चीज पास्ता, और उसके अलावा ना वो मोमोज करते हैं आपने 6 पीस वाले, 6 मोमोज हो गए, एक चिकन चाउमीन हो गया और एक वेजिटेबल चीज पास्ता हो गया, और रेड चिली हो गया 9 पीस फैमिली वाला। क्या डिसाइड किया थी? नाइनटीन बी सूप बहुत मज़े का, उसमें ना प्रॉन्स होते हैं ना, काफ़ी कुछ हो गया, हालांकि वही बात है गुंजाइश नहीं थी लेकिन वैरायटी हो गई है ना, सूप मोमोज पास्ता चाउमीन काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। सबसे पहले आया है स्टार्टर में सूप, चने भाई स्टार्ट करें, आप बिस्मिल्ला कर लें, क्यों मैं बड़ी बहन हूँ इसलिए, चले छोटे बिस्मिल्ला कर लें पहले, चल मैं तुझे डाल के देती हूँ, चले आप ही जान, आप ही जान तो हमारी शहजादी हैं। जी फैजान के मोमोज आ गए, वाओ कितने यमी लग रहे हैं। ये 6 है और हम लोग 5 है, तो मैं 2 लूंगा और सबको 1-1 देंगे, सबको 1-1 देंगे, ओके प्लीज हमें टेस्ट करवा दीजिएगा, ठीक है? मेरी तो चले पहले हम स्टार्टर ले लेना, पहले सूप लें उसके बाद हम ये लेते हैं, इसको बंद कर दें, हाँ ओके, हाँ इसको बार बार ओपन नहीं करना है, इसकी सारी स्टीम खत्म हो जाएगी। कैसा लगा बाबू? बहुत मज़ा, मुझे बहुत पसंद है 19B। अच्छा वैसे इनका रेस्टोरेंट जो है वो हम रेकमेंड भी करते हैं क्योंकि ऐसा है कि रेट भी बहुत मज़े के हैं और अकॉर्डिंग टू रेट इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का। हाँ, ऐसे ही है, इसी वजह से मैं अभी मेन्यू इनका देख रही थी कि सारे रेट बहुत मुनासिब, इतने रीज़नेबल है और साथ में टेस्ट बहुत अच्छा। और ये देखें इस सूप में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें प्रॉन्स भी होते हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस है। हाँ जी, ये प्रॉन्स क्या होते हैं?
बेटा जो प्रॉन्स होते हैं ना, ये सी फूड होता है, जैसे हम फिश खाते हैं, ये सी फूड होता है। गाइस बहुत मजे थे हैं। ओ हो भोई भोई, सॉस कितनी अच्छी लग रही है। वाओ, इधर भी जरा यम्मी है। ओ इधर भी चलिए, अब आप भी कैसे है? अब तो उसने कवरिंग खाई है। अच्छा, अभी उसने कवरिंग खाई है। फीलिंग नहीं ना खाई? फीलिंग कैसी है? मजे किया? मिर्ची थोड़ी सी है लेकिन बर्दाश्त करने वाली है। चटनी के साथ मिर्ची वाला बदार तो था नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो अब लास्ट पे आ गया है हमारा पास्ता और चिकन चाउमीन। चलें जी, स्टार्ट करें। टूट पड़ो मुजाहिदो, टूट पड़ो। इनके चाउमीन इतने मजे की है, मैंने और भी जगह की ट्राई की है लेकिन मुझे कहीं की भी ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। 102 बाइट नहीं मेरे से खाई जाती, लेकिन जो इनकी चाउमीन है ना, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा वेट है, बहुत अच्छी सी है कि अच्छे से हर चीज़ मिक्स भी हो रही है और ड्राई भी नहीं है, और टेस्ट भी बहुत मज़े का। ये सब कुछ हम अकॉर्डिंग टू रेट्स बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें यही सबसे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू रेट बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप रीजनेबल प्राइस में अगर अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो ये रेस्टोरेंट आपको रेकमेंड करेगा। ये देखें जी, इस रेस्टोरेंट का नाम है MM चाइनीज, और ये इसका एड्रेस है, स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर्स भी हैं, होम डिलीवरी भी है इनकी। अगर आप होम डिलीवरी करेंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ बैठने का बहुत मज़ा आएगा। ओके जी, तो गाइज आपने यहाँ बैठ के ही खाना है, आपने इस सीट पे बैठना है कि इस सीट पे हनान भैया बैठे थे। इसलिए नहीं मज़ा आएगा, घर बैठते खाना ठंडा हो जाता है, इसलिए मज़ा नहीं आता। चले नीचे नीचे फेस करके बोले, आपकी नोजी पूरी अंदर तक नजर आती है। हाँ जी शेफ खुबाब जहरा, आपको यहाँ का सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे बेस्ट है तो मोमोज थे यार, बहुत मजे के थे, और जिस तरह से उन्होंने सर्व किए थे वो तो स्टाइल मुझे बहुत ही प्यारा लगा। और मोमोज की एक बात ऐसे, मोमोज एक मिनट रुको, अच्छा मोमोज ऐसे है कि हर जगह के मजे के नहीं होते, यहाँ के बहुत मजे के थे और इतने रिजनेबल प्राइस, आई गेस 350 के है। ये दो चीजें ऐसी है कि हर जगह की मजे की नहीं होती, कोई कोई स्पेसिफिक जगह होती है जिसकी हम कहते हैं हाँ यार यहाँ का चाउमीन अच्छा है, यार यहाँ के मोमोज अच्छे हैं, तो वो जगह ये है। आई होप सो कि आप सबको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।